कम दीबा क्या खा रहा है दिखा तो कहाँ लेज कहाँ लेज लेज है तो तुम कब से खा रहा है बाबू खा रहा है इतना लेज खाएगा बाबू इतना लेज नहीं खाना चाहिए बोलो खाना चाहिए उधर कुछ टिकट काउंटर वगैरह बना हुआ है अंदर एंट्री लेने के लिए तो फिलहाल वे टिकट लेने गए हैं मामू उधर एक कार है अपन लोगों के पास तो शायद 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा समथिंग और सामने आप देख ही रहे हैं हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड है बोर्ड बोल रहा हूँ एंट्री गेट थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो भाई घूमने में मज़ा आएगा। ये हमारा टीबा ड्राइव कर रहा है आज यही लेकर हम लोग को चलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या डिबा चले अंदर नहीं चले इधर ही रुके क्या है बंदर बंद गेट खोलो उसको खोलो उसको बाबू खोलो नहीं खोलो बंद करो कहाँ चलेगा अबे कहाँ घूमने उसको भी बैठा देंगे पूरा बोले सीट खाली है तुम भी बैठो सैर करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पागल समझा आपको हम बाहर उतार देंगे लड़की लोग वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा होती है ना तो चीता का भी ध्यान दे दीजिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर कितना अच्छा लाइन लिखा गया है ये हमारा आवास है इसे नष्ट ना करें इसे संवारने में हमारा सहयोग करें बिल्कुल जो भी जीव जंतु लोग हैं उन लोग का घर वगैरह बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपका घर बर्बाद होगा तो कैसा लगता है आपको पता होगा। सो टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है और अब चलेंगे हम लोग कहाँ पे तो अंदर देखिए हमारे लिए गेट खुल चुका है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा स्वागत है बाबू छोड़ दो आप लोग का भी स्वागत है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का स्वागत है तो हम लोग आ गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अब देखते हैं कि अंदर कैसे जाना है क्या करना है अंदर ऐसे ही रास्ता चलता रहेगा 10 किलोमीटर जाएंगे हम लोग तो वहाँ मिलेगा एक रजडरवा करके जगह है जहाँ पे अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज लोग पिकनिक मनाने आते थे घूमने फिरने तो वहीं रुकते थे तो लोग वहीं जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी है रहने के लिए अच्छा अच्छा रूम बना हुआ है आप चाहें तो आप फॉरेस्ट विभाग से जाके अपना रूम का बुकिंग ले सकते हैं और यहाँ जाइएगा तो आप घूम फिर के आइए खाना वगैरह कुछ चिकन मटन वटन लेके आए हैं तो दीजिए वहाँ पे स्टाफ लोग बना देते हैं इससे अच्छा फैसिलिटी और क्या चाहिए ये रास्ता ऐसे ही रहेगा कम से कम 8 से 10 किलोमीटर ऐसे ही चलना है रास्ता भी मेंटेन ही है सही है हम लोग पिछला एक महीना से नहीं आए थे कि रास्ता खराब होगा बट 2 हफ्ते पहले हम लोग हिम्मत करके आए कि जो होगा गाड़ी टांग के निकाल लेंगे लेकिन रास्ता देखे तो अच्छा था और फाइनली भी हम लोग घूम रहे हैं बाबू देखो इधर देखो ना बाबू कहाँ देखो बेटा कहाँ जा रहे हैं घूमने किधर नेशनल पार्क कहाँ जा रहे हैं बोलो नेशनल पार्क बोलो पार्क बोलो बेटा नेशनल पार्क बोलो अरे बोलो यार नेशनल पार्क इधर कहाँ सो गाइस बतला दूं आपको कि जब इधर आप अंदर आएंगे ना तो मतलब रोड प्रॉपर बनाया हुआ नहीं है लेकिन जो जंगल का फील लेने वाला रोड कहते हैं ना वही रोड है और यहाँ पे आपको अपना व्यवस्था करके आना होगा मतलब जंगल वाला एरिया लगता है कि हाँ जंगल में घूम रहे हैं और दोनों तरफ पेड़ बीच में रास्ता मिट्टी वाला मतलब काफी एक बेहतर प्लेस है जहाँ आकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो मैं पहली बार इधर आया हूँ देखता हूँ कि अंदर है क्या यहीं तक आने के बाद मुझे लग रहा है कि चलो सही जगह पे आया हूँ घूम फिर कर और ये इसे देखे तो ये कितना एंजॉय कर रहा है अभी जंगल में मंगल जंगल मेकी जैसा कमी लग रहा है इस चीज का जंतु लोग नजर नहीं आ रहे जंतु आएंगे तो आप घूमने नहीं आइएगा यहाँ पे इसलिए जंतु को आज हम लोग छुट्टी पे भेज दिए हैं इसलिए हम लोग आए हुए हैं आज नहीं
जो जंतु मतलब ये है थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं उन लोग। नहीं नहीं, यहाँ से राइट साइड में एलिफेंट कभी कभी आपको दिख जाएगा, लेफ्ट में लायन दिखेगा। लेफ्ट में यहाँ पे नेट लगाया हुआ है क्योंकि तो जानवर लोग रहता है, आगे आपको नेट मिलेगा और एक दो हिरन दिख जाएंगे। हम सब इधर जाएंगे, इधर आगे का होता है लायन वगैरह। हाँ तो इधर इधर मतलब रियल पार्क इधर ही है, इधर रोड है ना, इसलिए देखो इधर आगे देखो आगे देखो आगे बारिश बारिश। बीच बीच में आपको जगह जगह पे अच्छा अच्छा स्लोगन वगैरह लिखा हुआ मिलेगा, जो क्या बोल सकते हो, जंगल वाला जितना जानवर रहता है उन लोग के फेवर में रहता है। मौसम बदला, धूप आया, बादल बारिश के बाद आज लगता है बंदर का शादी हो रहा है। इसी बात पे बंदर दिख जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, हल्के में ना लीजिए, कहीं भी कुछ भी दिख सकता है। वाइल्ड मतलब वाइल्ड होता है, लाइफ मतलब लाइफ होता है। इस चीज का ख्याल रखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप घूम रहे हैं। सामने देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए आप, टाइगर ट्रैप, टाइगर ट्रैप। अगर टाइगर के पिंजरे में आप ट्रैप हो गए ना तो फिर ट्रैप ही रह जाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सपोज कीजिए कि अभी हम लोग जंगल घूम रहे हैं, ठीक है, बाघ आ गया, क्या कीजिएगा, क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं, गाड़ी बंद कीजिए, सीधा चढ़ाइए, बैठल रहिए, वही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाघ से तो आप लड़ नहीं सकते हैं, कैपेबिलिटी तो है नहीं, इसलिए आराम से बैठिए, जब रास्ता छोड़ेगा तो जाएंगे। अभी आगे एक और होल्डिंग दिख रहा है, क्या है यहाँ पे, आग लगाने पर पानी छिड़काव करें, जंगल को आग से बचाने का प्रयत्न करें, जब यहाँ गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से। अच्छा, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि यहाँ से राइट जाना है लेफ्ट नहीं जाना है। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन था क्योंकि रनिंग रास्ता दिख रहा था। रनिंग रास्ता नहीं, आप याद रखिएगा, आप इसके अंदर घुसते हैं तो बहुत सारा रास्ता मिलेगा, लेकिन ये है कि जाने से हमेशा राइट चलना है, आने से हमेशा लेफ्ट जाना है। ओहो, ताकि आप भूले नहीं, हमेशा नहीं, कहीं कहीं मतलब ऐसा है कि आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये एक कॉमन सा कंसेप्ट लेके चलते हैं जो लोग यहाँ आते हैं। मैं भी आज तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ। सही है, इसके पहले हमेशा बैचलर पार्टी में आए, आज फैमिली के साथ आए पहली बार। आग लगाने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव कर सकती है, तो हम लोग दवाई छिड़क ही सकते हैं जितना अपने पास हो। सो जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने आइए, जानवरों को परेशान ना करने का कोशिश कीजिए, जंगल को बचाइए, क्योंकि जंगल को बचाइएगा तो ही आप इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी आगे का कितना अच्छा अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। उतना लंबा वीडियो को मैं नहीं करूंगा, उतना ज़्यादा रहता नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जितना दिखाऊंगा काफ़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे बोर जाएगा सिर्फ पेड़ पौधा देखते देखते। हम लोग जब पहुंचे हैं ना, पूरा जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, उसके बीच बीच वाले पॉइंट पे, मतलब कि 5 किलोमीटर का एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन जब आप आइएगा ना तो आप आगे देखें, यहाँ पे आपको दो रास्ता दिखेगा, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता ना कि यहाँ दोनों रास्तों से जाना किधर है, एक लेफ्ट गया है एक राइट गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जाइए किधर, यहाँ तो कोई है नहीं, ना ही कोई कुछ बोर्ड वगैरह है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, अंदर आप गोल गोल घूमते रह जाएगा, खो जाएगा, इसीलिए सिंपल सा है, जाने से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि राइट लेते जाइए, राइट लीजिएगा डेस्टिनेशन पहुँचिएगा, आने टाइम लेफ्ट लेना तो डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। तो वी कंटिन्यू विथ मी, अभी हम लोग आगे चलेंगे, 5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है, जंगल जंगल। अगर इधर आते हैं ना तो मैं तो सबसे पहले बताता हूँ कि पेट्रोल का टंकी वगैरह भाई भरवा लो, क्योंकि अगर बीच में तेल खत्म हुआ, नेटवर्क का रहना है नहीं प्राइमरी चीज, सेकेंडरी की आपको पेट्रोल देने यहाँ कोई नहीं आएगा, नेटवर्क रहेगा नहीं तो बात कर नहीं पाएगा, तो फिर कुछ मिलना है नहीं, इसीलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और आराम से आइए, हमारे टाइप का सफ़र काटते रहिए। जैसे देखिए हम आराम आराम से भी आगे जा रहे हैं। क्या देख रहा है बाबू? पानी। पानी देख रहा है? दिखा पानी, दिखा है, दिखा पानी नहीं दिखा, देखो पानी दिखेगा नहीं, अच्छे से देखो नहीं दिखेगा, देखो 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 उधर, देखो ना उधर कितना लायन है, 2 लायन है। और डियर कितना है, डियर कितना है, नीचे तुमको लाइन पकड़ लेगा, नीचे बाबू को लाइन पकड़ लेगा, टंटन टंटन आएगा, टंटन पकड़ लेगा। टंटन कैसे बोलता है, कैसे बोलता है?
जल्दी बोलो कैसे बोलता है टंटन, बोलो ना। कैसे बोलता है? गुपचुप। ऐसे कैसे बोलता है? टुप टुप। आज अभी हमारे मामा जी ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप लर्निंग पीरियड में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ड्राइव करने का मौका मिले तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आदमी को क्या चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि चक्का कहाँ जा रहा है ना, वो किस गड्ढे में कब कितना आपको बैलेंस करना पता चल जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राय का रास्ता देखिए आप जरा सा भी जिधर देखें ना आपको खराब गड्ढा, थोड़ा सा सीधा थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे ऐसे रास्ते आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस रास्ते में। लेकिन हाँ जो कुदरत वाला प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ है ना, वो प्राकृतिक का ही रहता भाई, मतलब बोले तो एक नंबर का चीज़। आप आराम से इधर ट्रैवल कीजिए, जैसा रहता ना कि ट्रिप पे आ गए हैं, अगर हमको भी इधर रात भर रुकने के लिए तो मज़ा आएगा। यार इनका जो है ना हाथ अच्छा खासा बैठ गया है, अभी चलाना सीख गए हैं वाइल्ड लाइफ में शुरू करते करते, लेकिन ठीक है अभी चलते हैं हम लोग आगे। रजडेरवा पहुंचने का जल्दी है क्योंकि 8-10 किलोमीटर से घूम ही रहे, देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ रजडेरवा 2 किलोमीटर, यहाँ पे आपको लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपको बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट लेना पड़ेगा नहीं तो फिर माहौल गड़बड़ा जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग रजडेरवा पहुँच गए हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 10 किलोमीटर था, तब से इंतजार इसी चीज़ का था, और काफ़ी नज़दीक हम लोग आ गए हैं। होरिया पी एफ का लिखा हुआ पता नहीं, 444 वो फॉरेन, ये अंग्रेज के टाइम का सब दिया हुआ है नंबर, मान लो पे आके भूल जाएगा तो क्या करेगा। अच्छा अच्छा लोकेशन का इंडिकेशन है इधर साइड में, वाह क्या बात है, शंकर शंभु घर वगैरह है, लेकिन हमको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं, यहाँ देखो ऊपर देखो सामने यार। अच्छा अच्छा इधर क्या है रिसोर्ट का ये बना हुआ है, आप बुक करवाइए। अच्छा अच्छा आप इस रिसोर्ट में आ सकते हैं, आप बुक करवा सकते हैं, ऑर्डर करने पे इधर चिकन मटन जो भी आप खाना चाहते हैं, पनीर नूरी छोला वाला सब बना के इन लोग देता है इधर ही, एक प्रॉपर अच्छा खासा एरिया भाई। अब हिरन तो हमको होल्डिंग में दिख रहा है इधर, अरे देखो यही है, क्या बात है, तो रियल हिरन दिख रहा है यही, हिरन का होल्डिंग के साथ मुझे हिरन मिला, इससे अच्छा चीज नहीं हो सकता है। अभी हम लोग हिरन के नज़दीक जाएंगे, इसके पहले ओ लो 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 क्या देखे, इन लोगों ने पत्ता वत्ता नहीं खाता है, ये यहाँ पे दुब घास है जो इन लोग को पसंद है वही खाएगा, देखिएगा पता लगेगा तो नहीं खाता है। आज इन लोगों ने हम पहले बनाना खा के देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। चलो बेटा आजा, तो उसको हाई कर दो, तो वहाँ पे किसी कर दो उसको, बाबू के साथ मेरा भी फोटो खिंचाना चाहिए जी, सीधा करो जी, अच्छा से करके ले चलो, आजा आजा लो, ऐसा नहीं कर जी, देखते हैं लोग बनाना खाता है कि नहीं। अरे अरे ये तो खा रहा है, छोटा लगा भी दो, छोटा लगा भी दे रहा है, एक वाला है मेरे वाला, ये तो बाबू बाबू को भी दो, बाबू को खिलाएगा, लो बाबू पकड़ तो खिला, पकड़ 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 छोटा लगा खिला, लड़ने लग रहा है जी, दे रहा है भाई, क्या है बेटा, लो बाबू खिला दो, छोटा बेबी को खिला दो, लो पकड़ो खिला दो, गिरा दिया, बोलो पिटी 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 करेगा, बोल दो तो बदमाशी नहीं, पिटी पिटी अच्छे से खाओ, बोल दो बदमाशी नहीं, बोलो बाबू आ रहा है, क्या खा रहा है बाबू, बनाना खा रहा है, तुम कैसी को खिला रहा है, दे दो, देखो मांग रहा है, लो खाना तो नीचे खाना तो अभी खाएगा, बोलो जल्दी, बोलो ना कि दो लो, तो एक बोलो ना जाने की लेकर, बुला बुला तो लो लो लो, बोलो तो लो, दो ना हाथ तो करो, हाथ हाथ ना करो, हाँ जल्दी लो, बोलो जल्दी लो, ना बोलो जल्दी लो, बोलो लो जल्दी लो, तुमसे लूट रहा था, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, दो देना छोड़ना नहीं ना, दो रुको
फोटो क्लिक कर रहा ना। लो पकड़ो। नहीं। लो दे दो जल्दी खाएगा। हाथ वो काट रहा है। अरे हाथ वो उसका। लो 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 जल्दी दे दो टीपा दे दो बेटा। लो लो जल्दी लो बोलो। जल्दी लो। हाँ लो जल्दी लो। दो। तो देगा तब ना। तुम खींचो ना यार कोई भी। दो। अरे तुमसे ले लिया। मेरे को छोटा हो जाएगा देते हैं पहले। मेरे को। अरे ये बड़का बदमाश है। एक आदमी आओ खिलाए क्या? नहीं। हाँ जा के दे दो। जा। अरे बुला के ऐसे नहीं फिर से करवा लो। फिर करवा लो। फिर से घास लो। बाबू देखो ये घास लो। देखो ये घास लो। पकड़ो अब बुला के दे उसको मुंह में खिला। बुला 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 बुला। हाँ बुला दो। हाँ दो उसको मुंह में दो। हाँ दो। हाँ दो नहीं लिया। बुलाओ ए लो। बुला इधर। रुको रुको दे रहे हैं अब। रुको तो रुको हम दे रहे हैं। रुक जा। लोई वाला घास दो। लोई वाला घास दो। दो वहां फॉरेस्ट पार्क जाके रूम लेके बुक करके बोलो लो और लो। बोलो और लो। और दो जल्दी लो। ये वाला दे दो। ये हाथ का दे दो। दे दो दे दो दे दो। बुला के हाँ बुला के दो। ऊपर वाला को दो। ऊपर वाला को दो। ऊपर वाला को लेट्स गो बाबू चलो। जंगल के बीच में अभी हम लोग रुके हुए हैं और इधर हिरन को खिलाने का मजा ले रहे थे। अभी छोटा बाबू को देखिए कितना मस्ती कर रहा है। और इधर अपना कार वगैरह है। इधर जंगल 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 काफी मजेदार प्लेस है। इसको तोड़ने से दीजिए पता है। बोलो कस के बोलो तो लो। बाबू बोलो तो लो। गिर गया देखो आ गया ना। दो 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 जल्दी दो जल्दी दो उसको। नहीं खा रहा है उसका पेट भर गया बेटा। पेट भर गया तो कौन जाए इस वीडियो कर रहे हैं। साथ साथ फोटो भी क्लिक कर लो। चलो बाबू चलो 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 बाबू चलो। नहीं है नहीं है नहीं है खत्म हो गया। नहीं है नहीं है नहीं है। चलो बाबू देखिए सामने लिखा हुआ है रजडेरवा में आपका स्वागत है 0 किलोमीटर। और हम लोग रजडेरवा पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच। आप देख सकते हैं इधर छोटा छोटा कॉटेज वगैरह टाइप का एरिया बना हुआ है। आगे भी सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे। मुझे यहाँ से मैप दिख रहा है। अभी नज़दीक जाकर देखेंगे किधर है क्या कैसे। प्राकृतिक संख्या केंद्र NIC कुछ तो लिखा हुआ था इन। बाबू को लिए हैं। बाबू चलेगा नीचे। चलेगा ना नीचे किधर जाएगा घूमने। तो चलो फिर हम लोग इंतजार के चलते हैं फट से। टिक टॉक टिक जल्दी चलो 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 चलो। गिरना नहीं ना। झरना भरा है। इसी टाइप का एरिया कुछ है इधर। बाबू कम हियर कम हियर। वो आज आपसे पकड़ा रहा है कितना उसको मजा आ रहा है समझ रहे हैं आप। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है फिर से आना चाहेंगे यहाँ। क्या बात है फिर। अरे हीरो कम दिस साइड बेटा। पानी का आवाज आ रहा है इधर कुछ झरना है। झरना है जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अभी हम लोग
झरने का आनंद लेंगे जो अभी ठीक हमारा आगे है, वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और नेचर भी रियली में साथ दिए हुए आज, क्योंकि लग रहा है बारिश होगा बट बारिश अभी तक हो नहीं रहा है। और ये पानी का जो सुरगुल आ रहा है ना, लग रहा है कि कितना जल्दी से हम लोग देख लें पानी। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं यार, लेकिन उतरने का है तो चढ़ने का भी होगा, देखते हैं आगे क्या दिखता है। छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्पेस साथ नीचे जाने के लिए पानी का आवाज़ इधर ही से आ रहा है, तो पानी का आवाज़ आ रहा है तो पानी देखना भी हम पसंद करेंगे। ओ ये तो तालाब का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये उसका साउंड है। लेकिन उतरेंगे किधर से, उतरने का कोई सोर्स नहीं है अपने पास, इसलिए हम लोग उतरेंगे नहीं। लेकिन ठीक है, फॉल टाइप का बहुत अच्छा खासा बन रहा है, जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। ओ इधर से पार करने में ना काफ़ी मज़ा आएगा, पैर छलका तो बड़ा पानी में, नहीं छलका। अच्छा रेंजर लोग जाता है उधर, हाँ छोटा सा हाउस दिख रहा उधर। तालाब इस तालाब में कितना पानी है, उतर के देखें सच में। हाँ, पानी है वहाँ तो, लकड़ी डाला हुआ वहाँ पे उतना बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है यहाँ पे। पापा का ना, हाँ वुड यू लाइक टू से समथिंग बेटा, नीचे आप उधर जा रहे हैं, आपको तैरने आता है? हाँ तैरने आता है तो जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, क्या बोलते हैं? अगर आप लोग को तैरने आता है तो जा सकते हैं। नहीं मेरे को तो नहीं आता है। काफ़ी बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब। हाँ झील तक देखिए पानी तो छोटा छोटा कॉटेज वगैरह है, आप रुक कर खाना, अरे देखिएगा जा रहा बाबू, रुको अगर खाना पीना खा सकते हैं थोड़ा सा कॉटेज। और इधर एक और छोटा सा कॉटेज है, बीच में बहुत सारे खंभे वगैरह दिख रहे होंगे पानी के बीच में। थोड़ा फर्स्ट टाइम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि ये है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि वाटर लेवल कितना है मेंटेन रखने के लिए इतना दिया गया था, कि आदमी को पता चले कि हाँ कितना वाटर है, कितना रिक्वायरमेंट की चाहिए। लेकिन हालांकि बता दें कि इससे ज़्यादा पानी से नहीं भरेगा, क्योंकि अभी देखा आपने वहाँ फॉल टाइप का उनके पानी जो गिर रहा था वो इसका एक्स्ट्रा वाटर उधर निकल रहा था। लेकिन सच कहूँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, मत सामने जंगल में मत क्या बोलते हैं लायन टाइगर मस्त पानी पीता रहता, अभी काफ़ी मज़ा आता, लेकिन वो तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत हम लोग अभी इधर ही इंजॉय करने वाले हैं, इंजॉय करेंगे, बैठेंगे, टाइम काटेंगे, उसके बाद निकलेंगे इधर से अभी हम लोग। क्या पूछ रहा था बाबू, क्या पूछ रहा था अंकल? क्या क्या दिखा? छिपकली। क्या कर रहा बाबू? क्या कर रहा? चीटी काट रहा है। चीटी कहाँ से यार जंगल में आ गया? कहाँ जा रहा है? अंदर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हो गया। हाँ चलो अंदर जा, अंदर जा। गंदा हो गया बेटा, देखें
अंदर वहीं पास, वहीं पास अंदर, वहीं पास जाइए अंदर, अंदर चल, अंदर जाइए, अंदर अंदर चल जाओ, अंदर चल जाओ। हाँ जाओ घूमने, जाओ जाओ घूमने। यहाँ पे घूमने के लिए एक प्रॉपर मैप का दिया हुआ कि मैपिंग है कि कैसे यहाँ क्या है, किधर जाएंगे, कैसे घूमते रह जाएंगे ना भाई। थाना बरही कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन किधर पड़ता है, कैसे घूमना है। राजडेरवा आप देख सकते हैं आपको मैप में पूरा बीचे बीच दिख रहा होगा। सलपारनी भी ठीक है वहाँ भी। ये सर राजडेरवा का मैं जो भी खड़ा हूँ ना, ये तालाब यहीं पर मैं खड़ा हूँ और उधर भी कनेक्ट करता है, मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। इधर क्या है भाई, इंडेक्स दिया हुआ है, कैसे क्या है। ओ भाई साहब, इससे डर लगना चाहिए कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आ गया तो लगेगा अभी। इसको तो अभी खिला ही रहे थे आप लोग, वीडियो में देखें बड़ा प्यार से खा रहा था ये, तो देखते के साथ भाग जाता है। तो मुलाकात इससे हुआ भी होगा तो अपने को पता नहीं, लेकिन लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा है नेशनल पार्क का। देखिए वहाँ लिखा हुआ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पाइथन वगैरह, टाइगर वगैरह का, बिगर वगैरह का सब फोटो वगैरह वहाँ डाला हुआ, वुल्फ वगैरह का, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ सब जैसे ही साइड में आएंगे आपको इधर साइड व्यू में इधर आपको मिल जाएगा ऐसे तालाब वगैरह, इधर बैठने के लिए देखिए कितना अच्छा स्लैब वगैरह बनाया हुआ है जहाँ पर आप बैठ कर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मानिए कि आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं तो भी आप बैठ कर टाइम बिता सकते हैं, फैमिली के साथ आए हैं तो भी बिता सकते हैं। इधर पेड़ वगैरह भी दिया हुआ है, और इन सब से हटकर जब आप आगे बढ़िएगा तो इधर आपको एक बहुत ही बड़ा आपको तालाब मिलेगा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस में ये तालाब है। इधर तो है ही ठीक उस घर के पीछे जाएंगे ना, उधर भी चारों तरफ तालाब है, तभी हम लोग उधर भी घूमने चलेंगे। और सबसे पहले बात है कि वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग बहुत ही काम का चीज़ है, उससे अच्छा काम का चीज़ नहीं मिल सकता है, क्योंकि खाने पीने का प्रॉपर प्रबंध उधर ही किया गया है। और काफ़ी अच्छा है इधर कॉटेज वगैरह बना हुआ है, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे उधर तो छोटा छोटा कॉटेज है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे आप आकर अपना टाइम स्पेंड कीजिए, पिकनिक पार्टी मनाइए, अच्छा खासा व्यवस्था किया गया। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं अब आगे, उधर वाला स्पेसिफिक एरिया देखेंगे, इसके बाद हम लोग घर को लौटेंगे, क्योंकि काफ़ी अंदर जंगल में आ गए हैं और जंगल में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, वाइल्ड लाइफ है भाई, वाइल्ड वाइल्ड होता है। तो चलिए चलते हैं अब उधर, थोड़ा घूम लेते हैं। आप इधर देख सकते हैं कॉटेज वगैरह का नेमिंग किया गया है, नीलकंठ कॉटेज, ऐसे यहाँ 5 नंबर का कॉटेज है। आपको इस तरह का बहुत सारा कॉटेज मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत सारा क्या 5 नंबर है तो मैक्सिमम 7-5 नंबर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आकर हम यहाँ अपना वो बर्बाद कर दिया, आप जब भी आएंगे हाँ आपको स्पेस यहाँ मिलेगा हमेशा, और जब भी आएंगे आप खुशी मन से यहाँ से जाएंगे। हरिया वन, होरिया होरिया वन, अरे जंगल का टाइगर ओरिजिनल हम लोग को नहीं दिखा, अब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, लेकिन टाइगर तो यही था। हमने नेशनल पार्क को लगभग घूम लिया, और अब ये लास्ट मोमेंट है, ये चांस है घर जाने का, तो हम लोग जाएंगे घर की तरफ और वीडियो को करेंगे इधर ही एंड, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ और कुछ बताना चाहेंगे। क्या चीज़ बताइए, यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, अगर आप पार्टी करने आ रहे हैं ना तो कुछ मतलब जो सामान खाना है सीखे वो लेके आइए, बनाने के यहाँ बना के आपको मिल जाएगा, मस्त अच्छा टेस्ट लगता है। मतलब बनाने का सारा मटेरियल लेके आना होगा ना, तेल वगैरह जो भी लगता है सारा कुछ, जो आपको खाना है आप लेके आइए, आपको यहाँ बना के मिलेगा। ये अच्छा फैसिलिटी यहाँ दिया गया है, आपको गैस चूल्हा बर्तन का जरूरत नहीं पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा प्लेस है। जितना हमने घूमना जितना बाबू सुनो यहाँ बाबू बाबू देखो यहाँ देखो पार्क कैसा था, पार्क कैसा लगा, अच्छा। कैसा लगा, अच्छा, अच्छा। कितना अच्छा, कितना जल्द बोलो कितना अच्छा, साफ है, अरे सुनो तो कितना कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, कहाँ है वो, कहाँ है, क्या है, काटेगा तुमको, जाएगा नहीं, पापा गए, जल्दी जा पापा गए 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 गए। सो ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ दिखा ही यहाँ, कितना अच्छा व्यू था और क्या कैसा था। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं एंड, आप लोग से फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द नई उमंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, मज़े में रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।